नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानबीन में, जहां हम आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और उठता है भूचाल। सबसे पहले आज बयानबीन में बात करते हैं हरियाणा के होने वाले मुख्यमंत्री नायब सैनी की। उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जो आप कहते थे कि 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे, अभी भी खुले हैं। कहीं ना कहीं अभी भी मैं 150 लोगों को सुबह सुबह मिल करके आया हूं। और एक वो मंजे डलवाने वाला काम था, वो भी अभी जारी रहेगा। मंजे तो डाल दिए थे पहले। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का, एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है, मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। और अब बयानबीन में बात करेंगे कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा की, जिन्होंने राजस्थान सरकार को पर्ची सरकार कहते हुए ये सरकार सर्कस की है क्या और क्या कुछ कहा डोटासरा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए। वो ये तो एक ही एक बात कर रहे हैं, रोजाना पढ़ने को मिलता है। दो मंत्री कहते हैं कि एसआई की भर्ती निरस्त होगी, तीसरा कहता नहीं होगी, चौथा अफसर कहता है कि ये हो गया, पांचवा कहता है ये हो गया। भाई साहब, ये सर्कस दिखाना तो बंद करो। जो निर्णय लेना हो निर्णय लो और नई भर्तियां निकाल करके नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करो। ये पर्ची की सरकार भ्रमण, भाषण और भ्रमित पे पहुंची और उसके बाद में सर्कस बन गया। मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए और यू टर्न सरकार इसलिए बन गई, एक भी फैसला ये अपना लागू नहीं करवा पा रहे हैं। आप देखिए, शिक्षा विभाग जैसा विभाग जिसके अंदर इन्होंने पहले कहा था कि 100 दिन में हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को हम शामिल करेंगे, इन्होंने वापस यू टर्न ले लिया। उसके बाद में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया, उसको वापस ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज से 6D के माध्यम से हम माध्यमिक शिक्षा में इनको ट्रांसफर करेंगे, वो वापिस ले लिया। न्यूट्रन सरकार बन चुकी है, इसलिए जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है। जनता के वेलफेयर के लिए इन्होंने गर्मियों में न पानी की व्यवस्था की लोगों के लिए, न बिजली की व्यवस्था कर पाए, बरसात में सड़क टूटी पड़ी है उनकी बात नहीं कर पाए, बरसात में किसान की फसल खराब हो गई उसका मुआवजा की बात नहीं कर पाए। और चलिए, आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी नेताओं के कुछ और तीखे बयानों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।